Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So today we will talk about Brightcom Group Limited. Current price 44 rupees के आसपास चल रहा है. तीन good news निकल के आई हैं share से related जो आपके साथ share करूँगी. And Monday को ऐसे expect किया जा रहा है कि हमें इसमें एक upper circuit देखने को मिलेगा. So चलिए करते हैं video को start. So first good news ये है कि Friday को USA मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी फ्रेंड्स. जैक्सिस से जितना नैश्टक था सब अप था, तो मार्केट काफ़ी अच्छी उस दिन परफॉर्म किया है USA मार्केट ने. तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमें मंडे को देखने को मिलेगा. तो इंडियन शेयर मार्केट में है ये, आप देख लेना मंडे को. सो मंडे के लिए पॉजिटिव न्यूज़ पहले तो USA मार्केट की तरफ से है कि मार्केट ग्रीन रहने वाला है इंडियन शेयर मार्केट मंडे के लिए. सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि BCG शेयर को ग्रुप ए में डाल दिया गया है. पहले ये शेयर ग्रुप बी में था, तो ग्रुप बी से निकालकर इसको ग्रुप ए में डाल दिया है. शेयर मार्केट्स में फ्रेंड्स ग्रुप्स होते हैं एंड ग्रुप ए में कुछ ही कंपनीज को रखा जाता है. इनके लिए इनके लिक्विडिटी को चेक किया जाता है, गाइडलाइंस प्रॉपरली कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं. ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक किया जाता है, फंडामेंटल चेक किए जाते हैं. तो इनका एक बहुत ही क्राइटेरिया होता है, उन चीज़ों को टेस्ट और चेक करने के बाद ही कंपनी को ग्रुप ए में डाला जाता है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है. तो BCG शेयर को ग्रुप ए में डाल दिया गया है. थर्ड गुड न्यूज़ ये है कि ASM स्टेज वन में, आपको पता है ये शेयर आ गया था कुछ दिनों पहले ही, ASM स्टेज वन में आ गया था. तो अब सेबी ने इसको ASM स्टेज वन से निकाल दिया है. तो अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है. तो अब जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस शेयर का जो सर्किट है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट रिवाइज होकर 10-20% हो सकता है, तो अब ये दोबारा से चांस आ गया है फ्रेंड्स. अभी तक सेबी ने इसके सर्किट को 5% ही सेट कर रखा था, लेकिन अब ASM स्टेज वन से बाहर हो गया है, किसी भी ASM की स्टेजेस में नहीं है ये शेयर. तो अब हम आगे कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट 10-20% लग जाए. तो फ्रेंड अगर 20% का लग जाता है तो बहुत ही जल्दी 70-80 रुपीज़ पे पहुँच जाएगा. तो ये एक चीज़ हमें कुछ दिनों में इसमें और भी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है. टारगेट्स मंडे के लिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करूँगी, बिकॉज लास्ट वीडियो में जो मैंने टारगेट दिया था उसे रिवाइज करूँगी. हमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा, तो 46 रुपीज़ का टारगेट हम यहाँ से अब लेके चलेंगे मंडे के लिए. वीकेंड पे बहुत डिफरेंट न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ के बेसिस पे हमें पता करना होता है कि मंडे को मार्केट कैसी है या नेक्स्ट डे मार्केट कैसी है. इसीलिए मैंने आपको बोला है बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको पता लग सके. अगर वीकेंड में कोई न्यूज़ आती है तो मैं वीडियो के थ्रू ज़रूर बताती हूँ आपको. तो न्यूज़ मैंने आपको तीनों के तीनों गुड न्यूज़ दे दी, तो अब यहाँ से हमें एक अपर ट्रेंड देखने को ज़रूर मिलने वाला है.